दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम कार्ड का कितना चार्ज आपको देना होता है? क्या आपको एटीएम कार्ड फ्री में मिलता है, या फिर आपको कौन से एटीएम के लिए कितना चार्ज देना होता है? कौन सा एटीएम कार्ड ज्यादा अच्छा होता है और कौन सा एटीएम कार्ड ज्यादा सस्ता होता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम कार्ड जो इशू होते हैं उस पे चार्जेज लगते हैं। ऐसा कोई भी डेबिट कार्ड नहीं है जिस पे आपको चार्ज नहीं देना होता है। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी डेबिट कार्ड पे चार्जेज को अप्लीकेबल कर दिया है। चलिए हम जान लेते हैं कि कौन से डेबिट कार्ड पे कितना चार्ज लगता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने वेबसाइट पे इस चार्जेज को मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप रुपे क्लासिक कार्ड लेते हैं तो आपको 200 रुपया प्लस GST यानी कि 236 रुपया आपको डेबिट कार्ड का चार्ज जब आप इशू करवाते हैं उसी टाइम पे देना होता है, और साथ ही हर साल आपको 236 रुपया आपको एनुअल फी भी एटीएम पे लगता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वीजा क्लासिक कार्ड भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको 200 रुपया इशुएंस चार्ज लग जाएगा और 236 रुपया हर साल आपका एनुअल फी के रूप में कटेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मास्टर कार्ड क्लासिक के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको 200 रुपया प्लस GST यानी कि 236 रुपया इशुएंस चार्ज उसी टाइम पे कट जाएगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद हर साल आपको 236 रुपया एनुअल फी आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो तीनों क्लासिक वेरिएंट्स एटीएम कार्ड हैं इन तीनों का चार्ज 236 रुपया है, चाहे वो इशुएंस चार्ज है या फिर एनुअल फी चार्ज है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप प्लेटिनम वेरिएंट कार्ड लेते हैं, प्लेटिनम वेरिएंट में जैसे रुपे प्लेटिनम हो गया या फिर वीजा प्लेटिनम हो गया या फिर मास्टर कार्ड प्लेटिनम हो गया, इन तीनों प्लेटिनम टाइप के जो एटीएम कार्ड हैं इसमें आपको 300 रुपया प्लस GST यानी कि 354 रुपये का चार्ज इशुएंस चार्ज देना होता है, और उसके बाद हर साल आपको 354 रुपया एनुअल फी भी देना होता है। इन तीनों प्लेटिनम वेरिएंट के कार्ड के जो चार्जेज हैं वो 354 रुपया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रुपये सेलेक्ट वेरिएंट डेबिट कार्ड है जिसका चार्ज 500 रुपया प्लस GST है, यानी कि 590 रुपया इस कार्ड को अगर आप लेते हैं तो आपको पेड करना पड़ेगा। उसके दोस्तों बड़ौदा वीजा व्यापार एक बिजनेस कार्ड है जिसके लिए आपको 250 रुपया प्लस GST पेड करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा तीन वेरिएंट में एक डेबिट कार्ड को इशू करती है। पहला है क्लासिक वेरिएंट, दूसरा है प्लेटिनम वेरिएंट, और तीसरा है रुपे सेलेक्ट। दोस्तों, ये तीनों जो डेबिट कार्ड हैं उसमें सबसे जो सस्ता कार्ड है वो क्लासिक वेरिएंट वाला कार्ड है। क्लासिक वेरिएंट में यहाँ पे तीन तरह के कार्ड आपको मिल जाते हैं, रुपे क्लासिक, वीजा क्लासिक और मास्टर कार्ड क्लासिक। ये जो तीन कार्ड हैं ये सबसे सस्ते कार्ड हैं जो 236 रुपया में आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड आपको कितना में मिलता है और आपको उसके लिए कितना एनुअल फी देना होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिथ।